नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्वादु में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ राजस्थान की फेमस मिर्ची के टिपोरे की रेसिपी। दोस्तों, अगर आपका कभी सब्जी बनाने का मन न करे या जो सब्जी बनी हो उसे खाने का मन न करे, तो आप सब्जी की जगह ये आसान और चटपटी रेसिपी बनाकर जरूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मिर्ची के टिपोरे बनाने के लिए हमें जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी वो कुछ इस प्रकार है। 200 ग्राम हरी मिर्च, हरी मिर्च हमने मोटी वाली ली है, 1/4 चम्मच मेथी, 1/2 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच सरसों, 1/4 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच कलौंजी, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच सौंफ पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच मलाई। मिर्ची का ऊपर वाला पार्ट काट कर हटा दें और इसे इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लें। मैंने इसे गोल गोल काटा है, आप चाहे तो इसे लंबे शेप में भी काट सकते हैं। तो देखिए, इसी तरीके से मैंने सारी मिर्ची काट ली है। अब कढ़ाई में लगभग 3-4 चम्मच सरसों का तेल डालकर गरम करें। फिर इसमें डालें 1/4 चम्मच मेथी, 1/2 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच कलौंजी और 1/4 चम्मच सरसों। इसे थोड़ा चलाएं। अब इसमें डालें कटी हुई हरी मिर्च, इसे अच्छे से चलाते हुए फ्राई करें। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें। अब इसमें डालें 1/2 चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच सौंफ पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर और 1/2 चम्मच चीनी। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएं और सभी मसाले को अच्छे से भूनें। अब गैस का फ्लेम लो करके इसमें डालें 2 चम्मच मलाई, इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएं। इसे ढककर 2-3 मिनट तक पकाएं। अब ढक्कन हटाकर चलाएं। तो बस तैयार है बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटे मिर्ची के टिपोरे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।